आंखों का नूर खुदा की बड़ी नेमत है और इससे खुदा को तो नहीं देखा जा सकता लेकिन खुदा की तखलीक को जरूर देखा जा सकता है। और अगर ये नूर कम होना शुरू हो जाए तो वाकई फिर जिंदगी बेनूर हो जाती है। लेकिन आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए और खास तौर पर रेटिना की जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए एक इदारा कायम हुआ है जिसका नाम है एल्ज़ा रेटिना वेलफेयर। और इसके बानी और रूहरवा जो पाकिस्तान के पहले रेटिना स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अहमद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि ये इदारा लोगों की खिदमत और मदद कैसे कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हमें इस इदारे के बारे में जरा बताइए कि कब आपने इस इदारे का आगाज किया और अब तक क्या क्या सर्विसेज कितने कितने लोगों को दे चुके हैं। इसका हमने सोचा तो था 2017 में, तकरीबन 3 साल पहले। तो 1 साल में तो वो कागजी कार्रवाई और रजिस्ट्रेशन में गुजर गए, तो 1 साल के बाद हमें रजिस्ट्रेशन मिली। तो हमें तकरीबन 2 साल हो गए हैं इसमें काम शुरू किए हुए। तो 1 साल में हमने बिल्डिंग बनाई, तो अब 1 साल गुजरा तो उधर से कोरोना का भी हो गया। तो इसके बावजूद भी हमने कोई तकरीबन 15,000 के करीब लोग जो हैं उनको हम मुफ्त देख चुके हैं। उनका इलाज आमतौर पे जो ज़कात के मुस्तक होते हैं उनका मुफ्त होता है और बाकी सब के लिए अफोर्डेबल होता है। सही। और अभी तक कहाँ कहाँ पर आपका ये जो है सेटअप मौजूद है, इंटीरियर सिंध में भी? सिंध के दूसरा रकम, इंटीरियर सिंध में नवाब शाह में, चूंकि नवाब शाह सिंध के बिल्कुल सेंटर में है तो वहाँ पे दूर दराज देही इलाकों से लोग आ सकते हैं और जो शहर के निगलेक्टेड एरियाज हैं उनमें से भी। तो ये तकरीबन सिंध के दरमियान में पड़ता है, तो हर तरफ से लोग हमारे पास आते हैं। और हमारे पास मोबाइल आई क्लिनिक्स हैं 2, जिनसे कि हम मुल्क के दूर दराज हिस्सों में जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता। हमारा मोटो टू रीच द अनरीच्ड, और वहाँ पे हम लोगों को देखते हैं जिनको ज़रूरत होती है चश्मे की और छोटी मोटी दवाओं की, वो वहाँ दे देते हैं। जिनको इलाज की ज़रूरत होती है उनको नवाब शाह लाते हैं, या जो बहुत ही बड़े ऑपरेशन होते हैं उनके लिए हमारा हॉस्पिटल कराची में है शारे कायदीन पे, अल ऐन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज, उसमें हमारा ये अरबों का अदारा है, हम उसको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और वो बड़े ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे ला के किए जाते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नाम एल्ज़ा रेटिना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो रेटिना की कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए ऑपरेशन के लिए लोग आपके पास आते हैं और आप लोग उनको हैंडल कर सकते हैं? तो अभी भी जो सुन रहे होंगे उनको भी पता चल जाएगा कि अगर उनको उस किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं रेटिना में, एक तो मेडिकल रेटिना है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है शुगर की वजह से, डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। और दूसरा ये कि एज के लिहाज से ओवर 60 जो लोग हैं उनके देखने वाला हिस्सा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आंख के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं हर महीने या हर 2 महीने के बाद। और एक इंजेक्शन की कीमत 30,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक है, तो गरीब आदमी के लिए नामुमकिन है इसका इलाज। और ये ठीक है तकरीबन 2 साल तक लगने होते हैं। तो हम अल्लाह के फजल से जिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको ये इलाज मुफ्त करते हैं। और दूसरा है सर्जिकल रेटिना, वो एक इमरजेंसी होती है, जिस तरह के फ्रैक्चर हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए तो वो चंद दिनों के अंदर अंदर उसका इलाज होना चाहिए। अच्छा। बदकिस्मती से इसका इलाज बहुत महंगा है, प्राइवेट अस्पतालों में तकरीबन 3.5 से 4.5 लाख रुपए तक एक ऑपरेशन के लिए जाते हैं। तो हम वो भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब हैं उनका मुफ्त करते हैं, और जो लोग साहब हैसियत हैं उनसे हम सिर्फ कास्ट प्राइस पे, नो प्रॉफिट नो लॉस की बेसिस पे उनसे बहुत मामूली सा मुआवजा लेके उनका इलाज भी करते हैं। सही। तो ये बहुत अहम है कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इसको अगर फिक्स ना किया जाए और 2 महीने गुजर जाए तो ये आंख हमेशा के लिए अंधी हो जाती है। और रेटिना अगर काम ना करे तो बाकी आंख बिल्कुल सही भी हो तो तब भी आंख देख नहीं सकती। तो ये इसका ऐसा ही है जैसे कैमरे के अंदर पुराने कैमरे नजर के कमजोर होने से पता चलेगा होती है जिसके ये वाली कोई प्रॉब्लम आ रही है, पता कैसे चलेगा? जी जी सिम्टम जी 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 बिल्कुल उससे उसके सिम्टम ये है, एक तो नजर कम होती है और ऐसा लगता है कि जैसे आसमान पे बिजली चमक रही हो, तो ऐसी बिजली की चमक
आदमी को दिखाई देती है, आंख के अंदर ऐसा लगता है जैसे बाज़ औक़ात बारिश के कतरे गिर रहे हैं, और तस्वीर का एक हिस्सा नजर आएगा दूसरा हिस्सा नहीं आएगा, चेहरे का ऊपर का हिस्सा नजर आएगा नीचे नहीं आएगा, एक साइड आएगा दूसरे के नहीं आएगा, तो इसकी निशानियां हैं। अगर किसी को ऐसा महसूस हो कि बिजली में चमक महसूस हो और तस्वीर का कुछ हिस्सा जो है वो मिस करता हो, तो श्योरली उनको रेटिनल डिटैचमेंट होती है और उनको फौरन अपने मुआलिज के पास जाना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जो लोग आपके इदारे की तरफ आना चाहें, आपके इदारे में कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहें, मदद करना चाहें, वो कैसे राबता कर सकते हैं आपसे? उस तरह से दो तरीके हैं, एक तो ये कि हमारे अकाउंट्स वगैरह जो थे हैं हम उनको अपने ब्रोशर्स के जरिए भेज देते हैं, दूसरे हमारा जो सेंट्रल ऑफिस है वो शाहरा कायदीन पे अल एन इंस्टीट्यूट 241/3/A शाहरा कायदीन उसमें वाक़ है, तो वहाँ पे लोग अपने चेक अतियत सदकात वगैरह वहाँ जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन भी भेजे जा सकते हैं। तो हम मुख्तलिफ जराए से हमारे अकाउंट्स वगैरह लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, लोगों की बीनाई के हवाले से काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम मुख्तलिफ लोग आपके सामने लेकर आते रहेंगे, वो जिन्हें हीरोज कहना चाहिए कि जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि जो वाकई मुस्तहिक लोग हैं, और बड़ा अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, हमारा फर्ज है कि हम इन्हें इनकरेज करें और आपके सामने लेकर आए। Please issue your check payable to Elsa Retina Welfare Organization.